अच्छा वेलकम बैक। तो आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं शामी कबाब, तो चलिए मम्मी से मिलते हैं। तो गाइस आप मेरी मम्मी से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मम्मी आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो आपको हमारे हाथ का अगर आप बना के देखेंगे खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गाइस हमने ये मटन का कीमा लिया है आधा किलो, जिसको मैंने मशीन का पीस पिसवा के रखा बहुत महीन, और धो के साफ और धो के साफ करके हमने रखा है इसको। और हमने ये हरे मसाले लिए हैं, जिसमें प्याज लिए पाव किलो प्याज लिए हमने, और एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया है जिसको बिल्कुल महीन चॉप करके रखा है। और ये हमने हरी मिर्ची ली, बिल्कुल 7-8 हरी मिर्चें हैं जिसको हमने बहुत महीन काट के रखा है। और ये सब कैसे काटा है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए शामी टिकिया में मिर्ची को इस तरीके से काटना है। पहले बीच में से ऐसे करके कट लगाएंगे, अलग नहीं करेंगे इसको, सिर्फ ऐसे करके, और फिर इसको महीन महीन आगे से बिल्कुल छोटे छोटे एकदम बारीक शामी टिकियों में बिल्कुल बारीक मसाला डलता है। तो ऐसे मिर्ची को करके रख लेना है कट करके। प्याज को हमें इस तरीके से काट के इस मशीन में रखना है, और फिर हमें महीन करके घुमाना है। बहुत जल्दी कटती है ये प्याज मशीन के अंदर। अदरक को भी हमें इस तरीके से महीन काटना है, और फिर इस मशीन के अंदर बिल्कुल बारीक कर लेना। और ये भी हमने बारीक कर लिया, अदरक हो चुकी है। धनिया को ऐसा तोड़ के छुरी से काट लेना है बिल्कुल बारीक बारीक। हमने ये महीन धनिया काट के रख लिया, अब हम इसमें इतना पुदीना डालेंगे शामी कबाबों में के अंदर। तो आधा किलो कीमे में हम ये 200 ग्राम चने की दाल डालेंगे, और इसके अंदर हम 8-10 लाल मिर्ची लेंगे। ये एक चम्मच हमने पिसा गरम मसाला लिया है, और ये 3-4 हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और 1.5 चम्मच हमने ये नमक लिया है। तो ये हमने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये थोड़ा सा हमने धनिया और पुदीना दोनों को मिला के काट के धो के साफ करके रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें हमने ये सारे मसाले डाल लिए हैं, अब इसको हम निचोड़ेंगे। तो ये जो इसका हम ये एक्स्ट्रा पानी ऐसे निचोड़ के निकालेंगे। हमें पूरा मसाला सुखा लेना है। ये ऐसे पानी क्यों निकालते हैं इसका? ये पानी इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे कबाब पतले नहीं हो, और ये पानी भी कीमे के अंदर हम डाल के कीमा उबालेंगे। ओके, तो ये हमने पूरा मसाले को ड्राई कर लिया है। हमारा ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसी के अंदर हम ये पुदीना और हरा धनिया दोनों जो हमने काट के धो के साफ करके रखे थे वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो गाइस हम शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने कुकर रखा हाई फ्लेम पे हम कुकर रखेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले हम ये कीमा डालेंगे। इसमें तेल वेल नहीं डालना है क्या? इसमें तेल नहीं डालते। फिर उसके अंदर हम ये चने की दाल डालेंगे 200 ग्राम की, धो के साफ करके रखी थी हमने। कीमा डालना है फिर दाल डालना है। अब इसके अंदर हम ये लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो 2 चम्मच हमने लिया था, और ये जो हमने पानी निचोड़ के रखा था मसाले में से वो पानी है ये भी हम इस कीमे में ही डालेंगे। भी डालते हैं। और ये हमने जो मसाले निकाल के रखे थे ये भी हम इसमें ही डालेंगे कीमे के अंदर। बिस्मिल्लाह की बरकत। और इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। इसको इस तरीके से चला के रखना है, इसमें पानी सिर्फ 1 गिलास ही डलेगा, और इसमें सीटी लगाना है। 3 सीटी लगानी है क्योंकि चने की दाल थोड़ा देर में गलती है, इसलिए 3 सीटी लगा के 3 सीटी का वेट करिए। अब तो ये 1 सीटी आने वाली है। 1, 2, 3।
ये तीसरी सीटी आ गई है। अब हमें गैस को स्लो कर देना है और 5 मिनट तक पकने देना है। तो अब हम कीमा देखते हैं ये हुआ या नहीं। 5 मिनट तक हमने बॉईल करने रखा था, मतलब प्रेशर में। तो ये हमारा कीमा हो गया है मम्मी। तो ये हमारा कीमा बॉईल हो चुका है, अब हम इसे पीसेंगे। तो इसे अभी ठंडा होने रख देना है 10 मिनट के लिए फैन में। ये मिर्ची अलग कर देना है। सबसे पहले हम इस कीमे में से जो हमने मिर्ची छाट के रखी है, सबसे पहले हम मिर्ची पीसेंगे। अब हम इसके अंदर कीमा पीसेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस, हमने ये कीमे को पूरा अच्छी तरह से पीस के रखा है। तो गाइस, ये हमने कीमे को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा पीस के रख लिया है। अभी ये कीमा पीस लिया, अब हमने ये जो ड्राई करके मसाले रखा था इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तो गाइस, इसमें हमें 2 चम्मच खसखस डाल देनी है। अब इसे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हमें छोटी छोटी कबाब बनाना है। देखो, हमें इतना कीमा लेना है, इसको हमें ऐसे लड्डू की तरह पहले बना लेना है, फिर हमें इस तरीके से चपटा करके कबाब बनाने हैं, शामी कबाब। ये हमारे गोल गोल कबाब बन गए। चलो हम कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहले तवा रखेंगे, उसके अंदर हम ये तेल डालेंगे। 2 मिनट के लिए हमने तेल रखा था जो गर्म हो चुका है। अब हम ये कबाब सेकेंगे। बिस्मिल्लाह की बरकत। हाई फ्लेम पे ना? हाँ, पहले हाई फ्लेम पे सेकेंगे, फिर 2 मिनट बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो गाइस, ये हमारे कबाब सिक रहे हैं। वाओ, हमारे एक साइड से कबाब सिक गए हैं। इसको हम पलट देंगे। अब इसे दूसरी तरफ से सेक लेना है। ये हमारा शामी कबाब बनके रेडी है। तो गाइस, आपको मेरी मम्मी के हाथ के कबाब अच्छे लगे हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी बना के ट्राई करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप हमारे तरीके से एक बार सिर्फ बना के देखिएगा, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। इसको हम पुदीने की चटनी के साथ भी खाते हैं और कटी हुई प्याज के साथ भी खाते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस।